अगर आपके घर पर भी मेहमान आ जाएं और सोच रहे हैं कि चाय के साथ क्या स्नैक सर्व करूं, तो बनाए ये आसान सी स्नैक्स की रेसिपी जिसको बनाना बिल्कुल भी तकल्लुफ नहीं। इसे हमने कैसे बनाया है आइए देखते हैं वीडियो में। वेलकम टू माय चैनल कटरीना किचन। आज हम शेयर करेंगे बहुत ही डिलीशियस टेस्टी रेसिपी और ओनियन बनाने की रेसिपी। इसे बनाना बहुत ही आसान है, ट्राई करें आप भी बनाना इसे हमारे साथ। क्रिस्पी ओनियन रिंग बनाने के लिए हमने 2 मीडियम साइज के प्याज लिए हैं। प्याज को छील कर अच्छे से धुल लिया है। इसे मोटे रिंग शेप में कट कर देते हैं। प्याज को कट कर लिया है, इसमें से रिंग को अलग कर ले रहे हैं। इसी तरह से सभी रिंग को अलग कर लेंगे। इस तरह से प्याज के रिंग तैयार कर लिए हैं। चलते हैं अगले प्रोसेस की तरफ। क्रिस्पी होने रिंग के लिए सबसे पहले बैटर तैयार कर लेते हैं। 1 बड़ा बाउल लिया है, 240 ग्राम बेसन लिया है। बेसन को बाउल में ऐड करते हैं। दो चम्मच कॉर्नफ्लोर ऐड करते हैं। कॉर्नफ्लोर डालने से ओनियन रिंग क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। आधा चम्मच लाल मिर्चा पाउडर ऐड करते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करते हैं। नमक स्वाद अनुसार ऐड करते हैं। 2 पिंच काली मिर्च ऐड करते हैं। 1/4 चम्मच चाट मसाला ऐड करते हैं। 1 पिंच बेकिंग सोडा ऐड करते हैं। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर गाढ़ा बैटर बना लेते हैं। बैटर को एक ही डायरेक्शन में फेंटें जिससे आपके पकौड़े कुरकुरे और क्रिस्पी बनेंगे। बैटर को बहुत पतला ना रखें, गाढ़ा रखें इस तरह से। इससे ओनियन रिंग अच्छे और कुरकुरे बनेंगे। ओनियन रिंग को बैटर में डिप कर लेते हैं। रिंग में बैटर अच्छे से लगा लेते हैं। तेल में ऐड करते हैं। तेल को मीडियम आंच पर रखा है। ओनियन रिंग को मीडियम आंच पर ही फ्राई करें जिससे क्रिस्पी और कुरकुरे बनेंगे। ओनियन रिंग को दूसरी साइड पलट लेते हैं। ओनियन रिंग को गोल्डन ब्राउन क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लेते हैं। ये खाने में बहुत क्रिस्पी और स्वादिष्ट होते हैं। ओनियन रिंग फ्राई हो चुके हैं, इसे प्लेट में निकाल लेते हैं। इसी तरह से सभी ओनियन रिंग को फ्राई कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी यम्मी क्रिस्पी ओनियन रिंग बनकर तैयार है सर्व करने के लिए। रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करें, आप भी बनाएं, खाएं, एंजॉय करें, अपने फैमिली और फ्रेंड में शेयर करें।
अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। ये आप लोगों की तरफ से हमारे लिए प्यार होता है। दीजिए अपनी सकीना खान को इजाज़त। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।